पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के नए सदस्यता अभियान के संयोजक अरुण चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और उनके नेतृत्व पर पूरे भारतवर्ष में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ रूपरेखा इस सदस्यता अभियान की रहेगी और कितने सदस्य नए जोड़ने का लक्ष्य रखा है? देखिए, जैसा आपने कहा कि आज शाम को 5 बजे केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी और इस सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान विनोद तावड़े जी हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पार्टी का प्रथम सदस्य बना करके इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद देश भर में हमने जो 3 तरीके निकाले, एक मिस कॉल है 8800002024, इस नंबर एक्टिवेट हो जाएगा और कोई भी देश भर में कहीं से भी पार्टी का मिस कॉल करके सदस्य बन सकता है। 2 तरीके और हैं, एक QR कोड के माध्यम से, दूसरा वेबसाइट के माध्यम से bjp.org/membership। इस वेबसाइट के ऊपर भी कोई व्यक्ति सदस्य बन सकता है। प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनने के बाद तुरंत कल प्रदेश में सुबह 11 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल शर्मा जी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी को सदस्य बना करके इस अभियान की शुरुआत करेंगे। अपनी सदस्यता के बाद मुख्यमंत्री जी जनसंघ के समय के किसी एक कार्यकर्ता के घर जा कर के उनको सदस्य बनाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश अध्यक्ष जी भी किसी एक जनसंघ के समय के कार्यकर्ता के घर जाकर सदस्य बनाएंगे। 4 तारीख को परसों सभी जिलों में भी इस कार्यक्रम अभियान की लॉन्चिंग होगी। पार्टी के एक प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ता जिले में जाकर के वहाँ पर इस लॉन्चिंग करेंगे और साथ ही जनसंघ के एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर के उसको सदस्य बनाने का काम इस अभियान का वहाँ भी करने का काम करें। जैसा आपने कहा कि इस बार ये सदस्यता सारी नई होगी, किसी को नया नहीं जोड़ने वाले हम। 14 और 19 में जितने भी सदस्य बने हैं उन सब की सदस्यता प्रधानमंत्री के बनते ही समाप्त हो जाएगी। जैसे प्रधानमंत्री जी कल सदस्य बनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनेंगे, इसी प्रकार जो पहले से सदस्य हैं उन सबको भी पुनः नए तरीके से इसका सदस्य बनना है। हमने राजस्थान में लक्ष्य तय किया है कि प्रदेश प्रत्येक बूथ के ऊपर कम से कम 200 सदस्य बना करके सारे प्रांत में इस अभियान के दौरान करीब 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य पार्टी ने तय किया है। सर, एक विशेष बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान है, जो मिस कॉल है या वेबसाइट है, तो इसका कुछ वेरिफिकेशन का भी कोई पैमाना तय किया गया है? देखिए, अभी नहीं, हम सारे इस मिस कॉल के माध्यम से डाटा होगा, डाटा पर लिंक आएगा, लिंक को भरने के बाद वहाँ डालेंगे तो हर व्यक्ति की पूरी सूचना, नाम, पता, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, सारी सूचना वहाँ जा रही है। साधारण सदस्यता में कोई शुल्क नहीं है, कोई भी बन सकता है। बाद में उनको फ़ोन करके पिछली बार भी किया था, इस बार भी वेरिफिकेशन का काम हम करने वाले हैं। इसके बाद के चरण में सक्रिय सदस्यता होगी, जिसके बारे में जब होगी तब हम चर्चा करेंगे। सब ये तो रही सदस्यता अभियान की बात, और राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो जब से भजन लाल जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला है करीब 8 महीने का समय हो चुका है, और नए जो प्रभारी बने राधा मोहन जी, उनके आने के बाद में एकदम से देखा गया कि राजस्थान की राजनीति तेज़ हो चली है और थोड़ी रोचक हो चली है। बयानबाजी इधर से भी हुई, उधर से भी हुई, उस बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि इस समय राजस्थान में कांग्रेस की जो धुरी है वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के इर्द गिर्द घूमती है, और राधा मोहन जी ने डायरेक्ट अटैक जो किया वो पायलट साहब के करा, और पायलट साहब ने भी उसका जवाब दिया कि भाई आप अतिथि हैं और राजस्थान की परंपरा है कि अतिथि को भगवान की तरह मानते हैं। मैं इस विषय में तो मैं नहीं जाना चाहता, इतना जरूर है कि 20 तारीख को हमारे सदस्यता अभियान की प्रदेश की कार्यशाला थी, उस दिन पार्टी के प्रदेश के प्रभारी, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान राधा मोहन दास जी उस दिन राजस्थान में आए। राजस्थान में आकर जो शुरुआत उन्होंने की, उसके बाद 6 लोकसभा जहाँ जहाँ उपचुनाव होने वाले हैं उन सभी की जगहों पर जाकर के उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद करके अगले आने वाले चुनावों के लिए भूमिका तैयार करने का काम किया। उनकी गतिशीलता निश्चित रूप से पार्टी को गति देने का काम कर रही है, इस अभियान में बाकी में सबको गति देने का काम। मतलब उपचुनावों की बात करी, एक जो हम कह सकते हैं 84 की सीट की अगर हम बात करें, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और राजकुमार रोत ने पिछले कुछ दिनों में कई बयानबाजियां करी हैं आदिवासी समुदाय को लेके, मदन दिलावर जी को भी घेरने की कोशिश करी, उस चुनौती से कैसे निपटेंगे? हमारा हम 6 सीटों के ऊपर उपचुनाव है और 6 सीट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, एक नहीं है 6 सीट, और जिस तरह की तैयारी पार्टी की है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, पार्टी में भजन लाल जी के बाद के काम, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और जीतने की हमारी एक जील जिद, ये सब मैं कह सकता हूँ कि 6 की 6 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। उपचुनावों में और आगे आने वाले समय में जो
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो वक्तव्य आया था मदन राठौड़ जी की अध्यक्षता के समय, पद मद और कद वाला, उसको किस प्रकार से अब आगे आप देखते हैं? उन्होंने सामान्य रूप से किसी व्यक्ति के आचरण व्यवहार कैसा होना चाहिए उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी, और वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते से जीवन का अनुभव, समाज का प्रशासन का अनुभव है, इस नाते से उनके चीज़ों को सबको ग्रहण करना चाहिए। ये थे मेरे साथ अरुण चतुर्वेदी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा का सदस्यता अभियान है आज शाम को 5:15 बजे से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला सदस्य बनाया जाएगा, उसके बाद सिलसिलेवार हर राज्य में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। प्रत्येक बूथ में, राजस्थान की अगर बात करें तो हर बूथ से 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।